हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पब्लिक ओपिनियन में। तो गाइस फाइनली गुंटूर कारम का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और देखो ये जो ट्रेलर है ये हनीका एंड हसीन क्रिएशन के ऑफिशियल चैनल पे आया है। तो मैं आपको इस ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप उसे वहाँ से देख सकते हो। एंड देखो जो हमारी नॉर्थ की ऑडियंस है यार, उनको तेलुगु तो समझ में नहीं आती, तो देखो इसको मैं मुझे भी तेलुगु नहीं समझ में आती, बट मैं इसको इंग्लिश सबटाइटल में देखूंगा। इनफैक्ट मेरे को इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस मूवी के लिए, क्योंकि मैंने इस मूवी से रिलेटेड अभी तक जितने भी सॉन्ग आए हैं, कुर्ची मदद पेटी हो गया, ओ माई बेबी सॉन्ग हो गया एंड दम मसाला सॉन्ग हो गया, उन सारों पे मैंने वीडियो बनाई है। इनफैक्ट यार जिन लोगों को भाई इस मूवी के सॉन्ग पसंद आ रहे हैं तो मेरी उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है यार, सॉन्ग पसंद आ रहे हैं तो मेरी उन तीन वीडियोज को जरूर देखना। इनफैक्ट मेरे रिएक्शन को आप सॉन्ग के साथ जब इन्जॉय करोगे तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि उस वीडियोज में मैंने मूवी से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव बातें की हुई हैं, तो आप उनको जरूर देखना क्योंकि वो यार वीडियो काफ़ी मजेदार है। सिटी मार ताड़ी मार वीडियोज हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखना। तो यार अब देखो मूवी के क्रेडिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड देखो जो मूवी की कास्ट है उसमें महेश बाबू, जगपति बाबू एंड प्रकाश राज, श्री लीला, मीनाक्षी चौधरी एंड रम्या कृष्णा होने वाली है भाई साहब, जो कि आप जानते हैं यार बाहुबली अवतार उनका, तो मतलब आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा इसमें। तो और जो इसका म्यूजिक है थमनेस ने दिया, आप सभी को पता ही है, एंड थमनेस ने इस मूवी में जितना म्यूजिक दिया अभी तक काफ़ी अच्छा म्यूजिक लग रहा है। इनफैक्ट पब्लिक को पसंद भी आ रहा है। एंड जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास हैं, उन्होंने यार देखो मुझे उनकी इतनी मूवीज़ तो पता नहीं और कौन कौन सी मूवीज़ बनाई है, बट मेरे को उनकी दो मूवीज़ देखी है मैंने जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, अरविंद अस्मिता हो गई, अल्लाह भाई कुंटपुर ब्लॉग। मतलब त्रिविक्रम में सबसे अच्छी बात यह है कि उनके मूवी में जो म्यूजिक होता है भाई लाजवाब होता है, सबसे पहली पॉजिटिव बात ही होती है। म्यूजिक में कोई कमी नहीं होती उनकी मूवीज में। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते मूवीज का ट्रेलर देखते हैं एंड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी चिल्ली वाइब्स होगी ट्रेलर में। जिस हिसाब से इसका नाम रखा है ना गुंटूर कारम, तो ट्रेलर कुछ इसी तरह का होने वाला है, स्पाइसी सा। तो चलिए गाइस देखते हैं ट्रेलर को एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए गाइस देखते हैं ट्रेलर लास्ट टाइम। मेरे भी पैदा पाए नहीं। You have left, मतलब अपने बेटे को छोड़ दिया। लेकिन दस दानिक मेरी चल। लोग You have to see। अच्छा मीडिया पूछ रही है कि आपने अपने बेटे को छोड़ दिया और उसे। आपको रण। महेश बाबू ना कुछ ना फर्स्ट तो ये मोशन। वो पैसा। छोड़ना ना मजा आ चुका। वो पैसा। ఎక్కడ చింపాలో ఎంత కనపడాలో వేరండి ఆగిపెట్టలేదు నా ఇది తప్పు చేశారు దాని పేరు చెప్పే మీనాక్షి చౌదరి డ్రింకింగ్ స్పారీ ఆట చూస్తావా గానా చల్లే వాళ్ళ మైక్ మింగు తో బెడ్ एक गाना चलने वाला है भाई साहब। हाड़ों का ब्रेक लेन ला रहे भाई ट्रक क्या है वो, तो उसको कहां रोक रहे हैं
महेश बाबू को ट्रक बताया यार इसे यार रगा काट का गद्दा इधर फायर ये एंड रेड सर नाले के तगले ना को वंस यू टेस्ट यू कांट हैव व्हाट यू हैव ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు కొట్టాల్సిన అమ్మ మనంద్ర వాస్ కోజ్ బీట్ ఐ వాస్ ఇస్త్రీ చి రేస్కొని మరి కొడుతుందా मुझे मारती है तो सम्मान से मारती है, I mean हक से। लाइफ ऑफ मिरेकल रहा बाबू। तो यार देखो ट्रेलर मेरे को काफी एंगेजिंग लगा, मतलब मैंने सोचा नहीं था आई मीन कि एक माँ और बेटे के इमोशन को दिखाया जाएगा इस मूवी में। मतलब मैं तो एक मतलब थोड़ी पॉजिटिव वाइब रख रहा था कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि एक फुल मसाला आई मीन एक स्वैगी मूवी होगी। आई मीन मुझे स्टोरी की उम्मीद नहीं थी इस मूवी से, एंड मेरे को ट्रेलर देखने से लग रहा है कि मूवी का में मसाला के साथ इमोशन भी काफ़ी लोगों को टच कर सकता है, क्योंकि लास्ट में जो डायलॉग आई मीन सुनिए जो स्टार्टिंग में डायलॉग बताया है, यू हैव ओल्डर सन आई मीन आपने अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया था, मीडिया पूछती है उससे एंड उनके क्या रीज़न है, ये सब तो आपको मूवी में पता चलेगा। बट मैं आपको ये बता दूं, जब लास्ट में आई मीन महेश बाबू की एंट्री होती है, वो कहते हैं आपको, मेरे को देख के तो भाई साहब आपका सीटी बजाने को मन कर रहा है, एक डायलॉग है बीच में, तो भाई लिटरली जब वो सीन आएगा ना तो यार आपका सीटी बजाने को ही मन करेगा। इनफैक्ट मतलब लुक देखो यार, अगाड़ू मूवी की याद आ गई मेरे को इस ट्रेलर को देख के। मतलब अगर बंदे ने वो कर दिया ना काम, आप लगा लीजिए, देखो चलने वाली है साउथ में आई मीन मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार हमारी हिंदी में आती तो और अलग इन्जॉय करते इस मूवी को, बट हिंदी में नहीं आ रही है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात अभी क्लियर देता हूँ, ये मूवी अगर मेरे आसपास के थिएटर में लगी भाई तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ मैं जरूर देखूंगा और इसका पहले दिन ही रिव्यू करूंगा एंड इस मूवी को हम सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट यार जो इस मूवी का ये रप पापा ये जो सॉन्ग है ना, ये आएगा तो इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, इनफैक्ट आनंद लेंगे म्यूजिक का। अभी तक जितने भी गाने आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं यार इस मूवी के, और मतलब श्री लीला एंड महेश बाबू का जो कपल वाइज कॉम्बिनेशन है लिटरली यार वो काफ़ी अंगेजिंग लग रहा है मेरे को ना, मतलब एक रोमांटिक फील दे रहा है भाई साहब। मतलब वो जो सीन है उसमें ये जो पानी देने वाली है ना, वो इनक्रेडिबली है, मतलब अमेजिंग है यार। इनक्रेडिबली का मीनिंग आप समझते होगे, एक अविश्वसनीय कह सकते हो आप यार, मतलब अद्भुत। तो अंगेजिंग है, और एक सीन है जो जब आई मीन श्री लीला डांस करती है महेश बाबू के, वो बीड़ी मुंह में चली जाती है, व्हाट अ सीन यार। मतलब ये दिखाओगे भाई साहब चल जाएगी मूवी, क्योंकि थ्री वीक मैं अभी भी बता रहा हूँ सारी मूवीज अच्छी आ रही हैं अब की बार पोंगल पे, मतलब कोई कंट्रोवर्सी मत फैलाइए, एक्टिविटी सारी मूवीज को एंजॉय कीजिए, हर एक मूवी अपने अपने जोन में काफ़ी अच्छी होगी। खासकर मैरी क्रिसमस को छोड़ देना यार आप, क्योंकि मेरे को वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, कुछ कंटेंट वगैरह आई मीन लव स्टोरी क्या है उसका, मतलब मैंने तो वीडियो नहीं बनाया यार उस पर। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, 12 जनवरी को तैयार हो जाइए, महेश बाबू के फैंस हैं जितने भी, मसाला मूवीज वालों के लिए तो मतलब फुल एंटरटेनिंग हो जाएगा, एंड जो फाइट होगी मूवी में मैं देखने के लिए यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सरकारों वाली पाटा का अभी तक मैं वो लास्ट का क्लाइमैक्स ही नहीं भूल पाया जिसमें वो सर आई मीन महेश बाबू डायलॉग बोलते हैं, लिटरली मतलब आग लगा देगी भाई साहब, मतलब महेश बाबू के लिए तो एक सेलिब्रेशन बन जाएगी मूवी। और यार देखो मेरे लिए ट्रेलर का बेस्ट पार्ट भाई सबसे जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इनफैक्ट वो सभी को अच्छा लग रहा होगा भाई, जब मतलब आई मीन इसमें ट्रेलर में महेश बाबू सिलिंडा को चिढ़ाते हैं और सिलिंडा पलट के जवाब देती है यार, मतलब कितने प्यार से वो जवाब देती है उसको कि स्टॉप पुलिंग माय लेग अराउंड, आई मीन कि तुम मेरी टांग खींचना बंद करो, मतलब यार इतने प्यार से बोल रही है, डैट इज मतलब ट्रेलर का वो बेस्ट पार्ट लगा मेरे को यार, जब वो सीन आएगा ना आई मीन आप लोगों को एक रोमांटिक फील दे देगा भाई, तो अमेजिंग है भाई साहब। एंड यार देखो मूवी में जो लास्ट में डायलॉग बोला है कि यार योर लाइफ इज ए मरुकली ब्रो, आई मीन आपकी लाइफ एक चमत्कार है, आई मीन जो आपकी मम्मी है महेश बाबू बोलते हैं कि मेरी जो माँ है मुझे अब हक से मारती है, तो मुझे बहुत आई मीन एक अच्छा लगता है मुझे, तो कम से कम मतलब वो इस लायक समझते हैं आई मीन जो उनका क्या होता है रिलेशन वगैरह, तो मतलब वो सब ना आपको एक मूवी में देखने में पता चलेगा। बट मेरे को ट्रेलर काफ़ी अंगेजिंग लगा भाई इसमें, इनफैक्ट मैंने एक रिव्यू देखा था यार इतना बेकार ट्रेलर बता रहा था ना वो इसको, भाई बेकार क्या था यार इस ट्रेलर में,
मेरे को तो अंगेजिंग लगा यार, मैंने जो सोचा था अभी तक वैसा तो कुछ लगा नहीं, इनफैक्ट कुछ अलग निकल के आया। इनफैक्ट मैं सोच ही सकता था कि त्रिविक्रम, देखो ये तो मेरे को पता था कि फैमिली ऑडियंस वाली मूवीज बनाते हैं, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो माँ और बेटे के इमोशन को रखेंगे इस मूवी में, एंड लिटरली ये इमोशन मेरे को लग रहा है काफ़ी लोगों को टच भी कर जाएगा दिल पे। तो मूवी सुपर होने वाली है, और मेरे को तो लग रहा भाई साहब 350 करोड़ लगा दो इस मूवी का, भाई साहब मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से क्लैश होगा चाहे कुछ भी, मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है ये मेरे को लग रहा है भाई साहब। तेलुगु में बहुत अच्छा पैसा छाप देगी, क्योंकि त्रिविक्रम ने अल्लाह भाई कुंट प्रमोलो अरविंद अस्मिता से ही तेलुगु में बम्पर आई मीन ओपनिंग ले ली थी, एंड देख लेना मेरे को लग रहा है भाई साहब ये मूवी टोटल 60 से 75 करोड़ के करीब रह सकता है इसका फर्स्ट डे जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस मूवी के लिए। तो यार आप जरूर बताना कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो, एंड देखो जितने महेश बाबू के फैंस हैं तो गाइज चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मूवी से रिलेटेड मतलब कोई भी वीडियो आएगा तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, एंड रिव्यू भी आएगा तो आप जरूर वेट करना, क्योंकि यार महेश बाबू को देखो भाई मैं सुपरस्टार मानता हूँ, इनफैक्ट उनका नेचर लगा लीजिए मुझे साउथ के हर एक स्टार आई मीन सुपरस्टार ही लगते हैं भाई साउथ के तो हर एक एक्टर, क्योंकि उनका एक नेचर है वो एक रिस्पेक्टेड है, जो हमारे आई मीन नॉर्थ के एक्टर आई मीन ये बॉलीवुड वाले हैं इन्होंने गंद मचा के रखा हुआ है भाई। तो बस इनके बारे में तो चुप ही वाला हूँ, आई मीन नेगेटिविटी फैलाने का काम ही नहीं करना हमने। तो मेरी आप सभी से यार यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मूवी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स या कुछ भी आई मीन वीडियो वगैरह आती तो हम इसे आई मीन मैं नॉर्थ वालों को दिखाऊंगा, एंड इस मूवी को नॉर्थ में प्रमोट करूंगा, ताकि क्योंकि ये जो मूवीज़ है ना तेलुगु वाली ये हमारे नॉर्थ में बड़े बड़े शहरों में लगती हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पानीपत हो गया, बड़े बड़े शहरों में लगती है, तो मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि इस मूवी को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, धन्यवाद। Yeah, it's a legend.